हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। और काची ओ रुक, जला दे रहे हैं, नहीं चाहिए। मन्नू का फोन मुस्कान लेके बैठी है, शायद कुछ काम कर रही है मुस्कान लेके मन्नू का फोन से। और मन्नू जा रहा है मम्मी को लेने के लिए, क्योंकि माँ आने वाली आ रही है, आने वाली नहीं है, आ रही है, रास्ते में है। तो ये मन्नू लेने के लिए जा रहा है, तो फोन जहाँ जाता है फोन लेके जाना है, तो इसीलिए फोन मांग रहा था। और बाहर से इतना ठंडा ठंडा हवा अंदर तक आ जाता है ना, कि अंदर में भी ठंडा लगता है, दिन में भी सौ लौट के रहना पड़ता है। जब तक धूप में रहते हैं तब तक ठंडा कम लगता है। बाहर में अच्छा सा धूप है, हवा चल रहा है, लेकिन धूप अच्छा लग रहा है। और ये वाला गुलाब झड़ गया है, इसको तोड़ देते हैं। अभी नया नया पत्ता भी निकल रहा है इसमें से, और साथ में ये देखिए, ये खराब कर देता है, ये कीड़ा है, इसको हटाना पड़ेगा। इधर ये वाला गुलाब भी तो बहुत घास वास निकाल करके कुड़ाई उड़ाई कर दिए हैं, लेकिन और करना पड़ेगा। और ये वाला तो नीचे लटक गया है, इसको सपोर्ट चाहिए होता है। लगाए तो है सपोर्ट, लेकिन फिर भी गिर जा रहा है, इसको अच्छा से लगाना पड़ेगा। ऐसे खड़ा रहेगा तब ना दिखाई देगा अच्छे से। मम्मी आ गई, आते तो कितना देर लगता ही ना, नहीं आता। हाँ पहुंच गई, पहुंच गया था ना अभी, और कम से कम 10-15 मिनट लगा होता ना। औधे पर तो चूल्हा दिखा रहा नानी को, हमको पता था मम्मी। अच्छा झूठा तुम बनवाया है। हाँ हाँ, तो तुम ही ना लेके जाएगा तो और कौन लेके जाएगा, बताओ और कौन लेके जाएगा। फटेगा वो जब उसमें आग जलाएंगे तो फिर पक जाएगा तो नहीं फटेगा ना, तब फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। वाह मेरा तारीफ हो रहा है। बस थोड़ा थोड़ा वो पकेगा ना, लिपे की तक गीला गीला। हाँ जाएंगे भरा जाएगा, भर जाएगा ना। तो मेरा तारीफ हो रहा है। हमको लग रहा था ना कि उचकुन थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन ठीक है ना, इतना ऊंचा ऊंचा ठीक है। हाँ रोटी बनाओ, जलेगा, हो सकता है कल जले। का मनु इंतजार कर रहा है कि मम्मी कब चूल्हा बनाएगी तो खीर बनाएगी ना। वना खीर खाने के लिए सिर्फ इसीलिए खीर नहीं बना रहे हैं कि वो चूल्हा जलेगा तो खीर बनाएंगे। अच्छा। भारी है कहे कि बहुत भरना पड़ा ना। हाँ आप मिट्टी नहीं देंगे, खाली लिपेंगे। हाँ मेरा बनाया हुआ चूल्हा बहुत तारीफ हो रहा है। अरे तो नहीं खुश होंगे, पहली बार बनाया, कभी बनाते हुए देखे तक नहीं है, कभी नहीं देखे हैं, सिर्फ बना हुआ चूल्हा देखे थे, तो खुश नहीं होंगे। नानी मेरा इतना तारीफ कर रही है। आज हम लोग फ्राइड राइस बना है खाने में, और पूरा हफ्ता जो सब्जी लेके आते हैं उसके बाद जो सब्जी सब रहता है ना वो थोड़ा थोड़ा बचा करके रखते हैं, जिस दिन लास्ट होता है उस दिन मेरा फ्राइड राइस या मिक्स वेज बन जाता है। तो आज फ्राइड राइस बना लिए हैं, और साथ में आज चिकन बना है। तो मुस्कान का ये वाला लेग पीस जो है ना, पता नहीं क्या हुआ, लेग पीस का नक्शा बिगड़ गया है। तो मुस्कान सिर्फ लेग पीस खा दी है, तो उसको लेग पीस देंगे और साथ में ग्रेवी दे देंगे। तो हम लोग खाना खा लेते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया है। अभी शाम हो गया और मम्मी चली गई, अभी मम्मी को मैं छोड़ करके आ रही हूँ गेट जगह से, और अब चलते हैं बर्तन वर्तन धोने के लिए, क्योंकि तभी खाना खाने के बाद हम लोग छत में बैठ गए थे धूप में, और अब मम्मी गई है तभी फुर्सत हुए हैं बैठ के खूब बकबक करने के बाद। तो मुस्कान छत में ही बैठी है, उसको बोलते हैं अंदर आ जाएगी, क्योंकि छत में अब ठंडा लग रहा है, धूप नहीं है। तो मुस्कान को नीचे बुला लेंगे, मुसो पड़ रही है, बैठी है। चलो धूप हल्का हल्का है, अब हवा ज्यादा चल रहा है, चलेगी। ये आंवला कैंडी हम, मैं और मम्मी, हम लोग दोनों दिन बैठ बैठ के खा के पूरा खत्म कर दे रहे हैं इसको। ये रही मुस्कान, मुस्कान पढ़ाई करने लगी है। चलो कुर्सी उठाओ, तुम नहीं ले चलो, हम ले जा रहे हैं, तुम चलो, हम ले जाएंगे एक एक करके, नहीं एक एक करके नहीं, दोनों को साथ में लेके चलते हैं।
अभी हम लोग नाश्ता कर लिए हैं और सुबह सुबह में जा रहे हैं बाजार। हाँ, सुबह ही सुबह कह सकते हैं ना, अभी 10 बजा हुआ है तो सुबह ही सुबह। आजकल तो कब सुबह हो जाता है और सुबह से शाम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। दोपहर का तो कुछ पता ही नहीं होता है कि दोपहर कब होता भी है या नहीं होता है। 12 बजे तक ठंडा ही लगता रहता है, उसके बाद फिर 1-2 बजे तक थोड़ा सा धूप लगेगा, उसके बाद फिर तुरंत शाम हो जाता है और फिर ठंडा लगने लगता है, इसीलिए पता ही नहीं चलता आजकल दिन कैसे निकल जाता है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग बाजार, स्पेशली आंवला लेने के लिए जा रहे हैं। झोला ले लेते हैं। झोला कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा है बड़ा वाला। इधर हम लोग का झोला रहता है, जितना भी बैग वगैरह रहता है सारा कुछ यहाँ रखा हुआ रहता है। ये हम लोग तैयार हो गए हैं, अब निकलते हैं। दो दो झोला पकड़ लिए हैं, एक आंवला के लिए अलग से पकड़े हैं, क्योंकि आंवला में जरा सा भी कुछ भी जिससे लग जाता है ना तो उसमें दाग लग जाता है, फिर खराब लगने लगता है। देखने से खराब लगता है, आंवला खराब नहीं होता है। फिर अंदर चल गया, कहाँ कहाँ गया है? अच्छा, हाँ गैस चेक किए हैं। तो हम लोग निकलते हैं। तो हम लोग बाजार पहुंच गए हैं और एक जगह पे आंवला का दाम भी पूछ लिए, लेकिन कुछ खास नहीं लग रहा था तो आगे हम लोग देख लेते हैं। अभी बाजार लगना स्टार्ट ही हुआ है। आंवला कैसे? आंवला 40 रुपया। 40 रुपया पत्ता का दाग सब है इसमें ना, क्या करे, एक आध किलो छांट ले। हाँ तो मिक्स है ना, हम लोग बहुत सारा सब्जी ले लिए हैं और आंवला अच्छा मिला नहीं तो 1 केजी ले लिए हैं। अब यहाँ पे आए हम लोग झोला खरीदने के लिए, बुला का दुकान है, यहाँ से झोला ले रहे हैं क्योंकि हम लोग का झोला जो है ना खराब हो गया है बड़ा वाला, तो ये झोला ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है ना? हाँ ठीक तो दिख रहा है, मजबूती है। जब महीना का मंथली ग्रोसरी लाते हैं तो थोड़ा सा हम लोग का बड़ा चाहिए होता है। 90 रुपया यही सब झोला तो बेकार है, यही वाला झोला लेंगे इसी टाइप के। और भी है उधर, इधर लोहा का कड़ाही सब भी बहुत सारा बड़ा बड़ा यहाँ भी है। तो हम लोग बाजार से आ गए हैं और ये आंवला को पहले धो करके साइड कर देते हैं। इसी में बैगन भी डाल दिए थे क्योंकि बैगन भी कुचा करके खराब हो जाता है, तो इसको ले चलते हैं। रा के अभी कपड़ा वपड़ा चेंज किए नहीं हैं, सोच रहे हैं कि पहले आंवला को धो करके रख दें ताकि इसका बनेगा कैंडी। बाद में थोड़ा आगे बढ़ने के बाद में हम लोग को और थोड़ा सा अच्छा आंवला मिल गया था, कुछ खास नहीं लेकिन फिर भी ठीक था, तो और 1.5 केजी ले लिए हैं, तो टोटल 2.5 केजी ले लिए हैं। आंवला को पूरा इसमें डालते हैं। धोने के बाद इसमें डालना चाहिए तो पहले ही टोकरी में डाल दिए हैं, पहले पतीला में डाल देते हैं, पहले इसको धो ना लेना है उसके बाद टोकरी में डालेंगे। इसको धोते हैं। आजकल पानी भी बहुत ठंडा लगता है। तो हम लोग को धो लिए हैं 2-3 बार, अब इसको निकाल करके टोकरी में रखते जाते हैं। और सारा का सारा आंवला का बनने वाला है कैंडी। और मुरब्बा के लिए फिर से लाएंगे, थोड़ा सा भी टाइम है मुरब्बा के लिए। आंवला थोड़ा सा अच्छा वाला आएगा ना तब उसका मुरब्बा बनाएंगे। आंवला तो धो के रख दिए हैं, अब सोच रहे हैं लगे लगे फ्रूट भी धो करके रख देते हैं। अब फ्रूट में पपाया, ऑरेंज और एप्पल बस यही लेके आए हैं, तो लेके जा रहे हैं इसमें निकाल के ले आते हैं, उसको भी धो देंगे। पपीता, लास्ट टाइम में पपीता भी ले लिए हैं, बाकी सब्जी बाद में धोते हैं, पहले इन सबको धो के रख देते हैं।
तो सारा सब्जी निकाल कर रख दिए हैं, अभी धोएंगे। और इस सीजन में पहला मटर लाए हैं और सारा सब आंवला खरीदने के चक्कर में प्याज लाना भूल गए, आलू लेके आ गए, प्याज लिए ही नहीं। आग को उबालने के लिए मन्नू को बोरे इडली का सांचा उतारने के लिए ऊपर में है। इडली का सांचा उतार लिए हैं, अब गंदा हो जाता है ऊपर में रखे रखे पूरा डस्ट, तो इसको अभी धोते हैं, धो के रख देते हैं इसको। देखिए रखे रखे इतना गंदा हो जाता है ना, तो इसको पहले धो देते हैं। ये प्लेट सबका काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये तो अंदर में रहता है तो गंदा भी नहीं होता है, थोड़ा सा रहता है तो किसी भी चीज में उबाल देते, लेकिन ज्यादा आंवला है इसीलिए इसको उतारना पड़ा। इधर मेरा खाना भी बन रहा है, खाना भी चढ़ा दिए हैं साथ में, अभी सबको धो देते हैं। मुस्कान पता नहीं आने के बाद नहाएगी या क्या करेगी, पानी चढ़ा देते हैं। हम लोग गैस में ही पानी गर्म करते हैं और नहाने के लिए पानी गैस में ही गर्म करते हैं हम लोग। इसको धो देते हैं पहले, हल्का सबको फुला देते हैं पहले, इसका ढक्कन भी ले आते हैं, इसको भी धो देते हैं। चलिए मैं सबको धोती हूँ, निपटाती हूँ, सारा सब्जी भी धो धो के रखना है। और आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।